हिमाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार परवाणू में कांग्रेस की गुटबाजी एक होर्डिंग से नजर आ रही है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को नेता नहीं भविष्य लिखा गया है। होर्डिंग में पूर्व मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार और वीरभद्र सिंह को छोड़कर हिमाचल के किसी भी कांग्रेस नेता की फोटो नहीं लगाई गई है। और तो और, इस होर्डिंग को भाजपा के फटे होर्डिंग पर चिपकाया गया है, इससे भाजपा में भी रोष है। वहीं प्रवेश द्वार परवाणू में लगी होर्डिंग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भटकाने के लिए ये ओछी राजनीति भाजपा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री बेबाकी से विधानसभा व विधानसभा के बाहर लोगों के मुद्दों को उठाते हैं। उन्होंने कभी भी सीएम बनने की इच्छा जाहिर नहीं की। उन्होंने कहा कि कुलदीप राठौर बतौर प्रदेशाध्यक्ष और मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष के रूप में बेहतर कार्य कर रहे हैं। और मैंने भी अपने लोगों से वहाँ पता किया तो आप हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी के बैनर के ऊपर ये बैनर टांगे गया। तो ये शरार जो है वो बीजेपी के लोगों की हो सकती है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से एकजुटता है, मैं समझता हूँ जो अपने हमारे विपक्ष के नेता मुकेश जी हैं वो विधानसभा में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। कुलदीप राठौर जी है वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने सीनियर लोग हैं उनका सहयोग दोनों नेताओं को है। तो आज तक मैंने तो ऐसी बात कोई नोट की नहीं कि कभी मुकेश जी ने कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ या किसी और ने वरिष्ठ नेता ने कहा हो। सबका सब जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीतना है और बहुमत से जीतने के बाद सोनिया गांधी जी जिस नेता को वो भी वरिष्ठता के आधार पर करेंगे, जिसको भी वो चुनेंगे वो हमारा नेता होगा और उसी को मुख्यमंत्री पद पर विराजमान किया जाएगा। ये एक भाजपा की सोची समझी साजिश है। और ऐसे भी जयराम जी को मुकेश जी से कुछ ज़्यादा ही एलर्जी रहती है। तो मैं समझता हूँ ये कांग्रेस एकजुट थी, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस एकजुट रहेगी। ये षड्यंत्र जो है इसमें कुछ आप भी समझ रहे हैं कि भाजपा के बैनर के ऊपर बैनर लगाना, कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती और ना ऐसा कोई कांग्रेस का। जैसे आपने षड्यंत्र बोला है तो षड्यंत्र में मुकेश अग्निहोत्री को ही क्यों चुना और दूसरा ये कि परवाणू को ही क्यों चुना, क्या बोलते हैं आप? मैं समझता हूँ परवाणू में ये विधायक हमारे जो मंत्री जी भी वहाँ संबंध रखते हैं। और जहाँ तक जयराम जी की बात है, जयराम जी के ऊपर भी जिस तरह से लगातार उनके हाईकमान का प्रेशर पड़ रहा है और जिस तरह से आके नड्डा जी ने खुलकर यहाँ पार्टी का दो फाड़ करने की कोशिश की भाजपा को, उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे, जबकि हाईकमान तो मैं समझता हूँ मोदी जी और अमित जी हैं। तो जिस तरह का ये है, ये भाजपा जो है बौखलाई हुई है, कांग्रेस की जो भूमिका है कांग्रेस को सत्ता में आते देखकर बौखला रही है और इस तरह के जो षड्यंत्र है वो करने में जुट गई है।